रात में होटल के बाहर सो रहे कार मालिक से शराब के लिए पैसे मांगने नहीं देने पर बुरी तरह से मारपीट करने और जेब से 70,000 रुपए छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़ित ने शिव थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। दरअसल मोइनुद्दीन पुत्र फतू खान 10 मई की रात्रि को देवका गांव में होटल के आगे कार खड़ी कर सो रहे थे। इतने में कुछ नकाबपोश आए और शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर मारपीट करते हुए 70,000 रुपए छीन कर ले गए। इसको लेकर पीड़ित ने दर्ज मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रात में होटल के बाहर सो रहे कार मालिक से शराब के लिए पैसे मांगने नहीं देने पर पूरी तरह से मारपीट करने और जेब से 70,000 रुपए छीन कर ले जाने के मामले में पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इसको लेकर पीड़ित ने शिव थाने में मामला भी दर्ज कराया है। दरअसल मोइनुद्दीन पुत्र फतू खान ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में बताया कि वह और उसका एक रिश्तेदार 10 मई की रात्रि को देवका गांव में होटल के आगे कार खड़ी कर सो रहे थे। इतने से कुछ नकाबपोश आए और शराब के लिए पैसे मांगे। वैसे पैसे नहीं देने पर मारपीट करते हुए 70,000 रुपए छीन कर ले गए। इसको लेकर पीड़ित ने दर्ज मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने आरोपी हिंदू सिंह पुत्र शंकर सिंह राजपूत के खिलाफ शिव थाने में दर्ज नामजद मामला दर्ज करवाया था। वारदात के दौरान आरोपी ने रुपए नहीं देने पर उसके साथ ताबड़तोड़ लकड़ी से मारपीट की। इसके उसके हाथ व पैरों में चोटें आई। आरोपी हिंदू सिंह पुत्र शंकर सिंह ने उसकी जेब में रखे 70,000 रुपए छीन लिए तथा हिंदू सिंह के एक अन्य साथी के हाथ में रखा जरीकन जिसमें पेट्रोल था वो मेरे ऊपर उड़ेला। जब वह जोर जोर से चिल्लाया तो उसके पास सो रहे मोइनुद्दीन पुत्र फतू खान जागा और उसे आरोपियों से बचाया, वरना आरोपी कोई अनहोनी घटना कारित कर देते। घटना के बाद जाते समय अपने हाथ में रखी बंदूक जैसे हथियार से हवा में फायरिंग करते हुए निकले और बाहर खड़ी उसकी बोलेरो गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर जला दी। इससे उसे 8,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। ग्राम पंचायत बरियारा के गांव की घटना है। साले मोहम्मद जो हमारा रिश्तेदार है वो सो रहा था अपने होटल पर। हिंदू सिंह वगैरह एक तो नामजद है और 3 अन्य आरोपी है। वो लोग आए और इससे पैसे की मांग की, बोले 2,000 रुपये दो, तो इसने मना किया। तो उसके बाद में इस पर डीजल डाल करके जलाने की कोशिश की और उसकी गाड़ी को पूरी तरीके से जला दिया। फिर हमने सुबह FIR दर्ज करवाई शिव पुलिस थाने में, तो उसकी आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना कोई मतलब नए पैसे का भी कुछ अनुसंधान वगैरह कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसे हम संतुष्ट हो। कोई रंजिश नहीं थी, वो आदतन अपराधी हैं और ये इनके पास में उनका खेत है। एसपी साहब की कार्रवाई से अभी उन्होंने SHO को फ़ोन करके बोला है, बोले भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों डिले हो रहा है। तो हमें लगा कि अब कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से SP साहब ने हमें सजेस्ट किया और हमारी मदद की, लग रहा है कि कार्रवाई होगी। मारपीट के इस मामले में पीड़ित मोइनुद्दीन ने शिव थाने में दर्ज मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग जिला पुलिस अधीक्षक से की। साथ ही उन्होंने ज्ञापन में इस मामले के जांच अधिकारी को बदलने और निष्पक्ष व ईमानदारी द्वारा पुलिस अधिकारी के मामले की जांच कराने की मांग की।